यार अंकिता, जब तक ड्राइवर नहीं आ जाता ना, हम यहाँ पर थोड़ी देर चिल करते हैं। और वैसे भी तुम्हारी फ्लाइट इतनी लंबी थी, आई एम श्योर यू मस्ट बी टायर्ड। एंड यू नो व्हाट, यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ के हिंदी क्लासिक सॉन्ग्स बहुत ज्यादा फेमस है। ओह रियली? यू नो आई लव हिंदी सॉन्ग्स, बट मेरा हिंदी इज वेरी पुअर। मुझे भी हिंदी सीखना, फिर मैं भी परफेक्ट हिंदी में सॉन्ग्स गाना। या एक्सक्यूज मी मैम, आपका ऑर्डर? टू रेड रोजेस। ओके मैम। डोंट वरी यार, अभी तुम यहाँ आ गई हो ना, आज से तुम्हारी हिंदी की कोचिंग शुरू। वाओ वाओ अंकिता, व्हाट वाज दैट? मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना प्रोफेशनल डांस कर सकती हो। सीरियसली मैन, यू नेल्ड इट। डांस? हाँ, सपना, never danced in my life. How did I dance? Really? But you know what? तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे जैसे तुम बहुत सालों से प्रैक्टिस करती आ रही हो। पर बार कुछ नहीं, मैं तुम्हें परफेक्ट हिंदी सिखाऊंगी और तुम मुझे डांस। लेट्स मेक अ डील। What say? Anyway, let's go. सपना, सबके सामने मासी, I'm sorry, sorry. बताए मामा। पहले तो अंकिता मैडम मुझे बोलती है कि ज्यादा जोर से बात नहीं करना चाहिए, और उसके दो मिनट के बाद 50 लोगों के सामने ऐसे डांस कर रही थी कि पब्लिक तालियां बजा रही थी। I don't know what happened. You know, मुंबई में मेरा पहला दिन, I just embarrassed myself. चलो कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। ये सारा सामान कल अनपैक कर लेना, अभी सो जाते हैं। ओके। लैला, तुम कब तक मुझसे दूर रहोगी? कब तक? मैं तुम्हें लेने आया हूं, तुम्हें कोई जुदा नहीं कर सकता मुझसे, कोई नहीं। इंतजार किया है मैंने तुम्हारा, मेरा प्यार अमर है, वो मर नहीं सकता। मैं आ गया हूं, मैं आ गया हूं। लैला तू लैला, ऐसी तू लैला, तू लैला। क्या हो अंकिता, क्यों चिल्ला रही हो? नहीं, वो क्या, वो चल यार, रेडी है तो चल, लेट हो रहा है। टाउन में ना बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है और आज हम वहीं लंच करेंगे। ओके। अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मॉम, हम खाना बाहर ही खाएंगे और इसी बहाने अंकिता मुंबई भी देख लेगी, है ना? अरे लेकिन लंच एकदम रेडी है बेटा। एक्चुअली सपना, मासी इज ऑलरेडी कुक्ड, कितना प्यार से बनाए।
Let's eat here. अरे नहीं नहीं नहीं, हमने ऑलरेडी टेबल बुक कर लिया है, चलो बाय माँ। अरे जल्दी आना। लेकिन यादों के सफर शो में आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं 80s की मशहूर एक्ट्रेस लैला का एक इंटरव्यू, जो उनके सॉन्ग लैला की सफलता के बाद लिया गया था। अब लैला जी ये बताइए कि लैला में लैला गाने की लोकप्रियता का आपको कोई अनुमान था? जी कभी नहीं, सबको पसंद आएगा ये तो पता था, लेकिन इतना बड़ा हिट हो जाएगा ये नहीं पता था। अंकिता क्या हुआ? अंकिता व्हाट हैपेंड? अंकिता ओह माय गॉड, अंकिता स्टॉप इट, अंकिता अंकिता हम यहाँ क्यों रुके? हम तो लंच के लिए जाने वाले थे ना। ये होटल, ये बिल्डिंग होटल होराइजन सी था ना, यहीं पे वो गाना शूट हुआ था। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तुम तो मुंबई पहली बार आई हो ना। अंकिता हम यहाँ कैसे आ गए? हम तो रेस्टोरेंट जा रहे थे ना खाना खाने के लिए, मुझे बहुत भूख भी लग रही है। चले चलो चलो। Why aren't you saying anything? Who's there? मुझसे डर क्यों रही हो लैला? मैंने कहा था कि मर के भी हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। मैं मर के भी तुम्हारे लिए जिंदा हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए। लैला 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 लैला
Don't worry. Mom, आप जाकर सो जाइए, मैं आगे तक का ख्याल रखती हूँ. Sure? Calm down. Relax. Leela. तुम क्या किसी लैला को जानती हो? नहीं तो मैं किसी लैला को नहीं जानती. कोई डांसर, बहुत फेमस डांसर. डांसर तो नहीं, बट हाँ, लैला नाम की एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस थी, बट वो तो 20 साल पहले ही मर गई. She's dead. बट हाँ, यू रिमेम्बर एयरपोर्ट पे क्लब में तुमने उसी के सबसे फेमस सॉन्ग पर ही तो डांस किया था. Really? कुछ और, कुछ भी और? मैं लैला के बारे में और कुछ नहीं जानती. कुछ भी?
कैसे मेरे क्या हुआ, कुछ तो पता होगा। नहीं तो मुझे उसके बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता, बट इफ यू वॉन्ट देन वी कैन फाइंड आउट। हाँ, नहीं जाना बहुत जरूरी है। ये लैला है कौन और मेरा उसके साथ क्या रिश्ता है? कुछ पता चला लैला के बारे में? लैला होटल होराइज़न में मारी गई थी। What? Strange, right? बिल्डिंग होटल होराइज़न सी था ना, यहीं पे वो गाना शूट हुआ था। तुमने इससे पहले कभी डांस नहीं किया, लेकिन उस दिन तुम बिल्कुल वैसे ही नाची। I mean, same steps जो लैला ने 20 साल पहले किए, जबकि तुमने वो गाना कभी पहले सुना भी नहीं था। फिर उस दिन होटल होराइज़न में तुम मुझे ड्राइव करके ले गई थी। You were driving like as if you were in a certain kind of trance। बिल्कुल होश नहीं था तुम्हें। फिर कल रात जो हुआ वो, एक्चुअली इन सबका कोई सेंस नहीं बनता। Unless क्या? सीरियसली यार, I mean, क्या ऐसा कभी हो सकता है? क्या हो सकता है? पुनर्जन्म। पुनर व्हाट? अरे, रीबर्थ। यार, तुम जब से मुंबई आई हो, जितने भी इंसिडेंट्स हुए हैं, I'm sure इनका कोई ना कोई मतलब तो है। पता नहीं, लेकिन मैं इसके बारे में पता करके रहूंगी। मुझे विजय से मिलना चाहिए, वो लैला का कोस्टार था, शायद वो हमारी कोई मदद कर सके। कहिए, किसे मिलना है आपको? विजय कुमार, एक्चुअली हमें आपसे एक जरूरी बात करनी थी। थैंक यू। ऐसा भी हो सकता है, विश्वास नहीं होता। जब तुम्हें देखा तो ऐसा लगा जैसे मेरी लैला मेरे सामने खड़ी है। वो काले हुड वाला आदमी कौन है? कोई नहीं मतलब? तो मैं
तुम्हें उसके बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे साथ ये जो कुछ भी हो रहा है वो उसी आदमी के साथ जुड़ा हुआ है। मेरा उस आदमी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। लैला, यही है वो, यही है वो, यही है। लैला, व्हाट हैपेंड? मैं विजय हूँ। आर यू ओके? या, आई एम फाइन। आई थिंक आई जस्ट नीड रेस्ट। कौन है यहाँ? लैला, क्या हुआ? विजय, विजय, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे मार डालेगा। कौन? लैला, क्या हुआ? लैला, यहाँ कोई भी नहीं है। मुझे मार डालेगा। तो फिर से दिखाता तुम्हें? कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। डोंट वरी, ओके? कुछ नहीं होगा। मुझे मार। डोंट वरी। लैला, विजय, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो। मुझसे डरो मत, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज यहाँ से चले जाओ, प्लीज। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। मुझे छोड़ दो। तुम सिर्फ मेरी हो लैला। लैला, मुझसे डरो मत। छोड़ के नहीं जा सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं लैला। तुम नहीं तो मैं भी नहीं। मौत भी हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती लैला। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं लैला। वो आखिरी बार था जब मैंने लैला को देखा था। उस रात मुझे भी मर जाना चाहिए था, लेकिन मैं बच गया। इस एहसास के साथ जीने के लिए कि जिस इंसान से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं मैं उसे बचा नहीं पाया। कि वो आदमी था कौन? बाबा। बाबा? हाँ बाबा, लैला का बहुत बड़ा फैन था वो। मडाईलैंड में लैला विला नाम के बंगलों में रहता था। लैला के लिए पागल था वो। उसके सेट पर हमेशा आ जाया करता था। लैला के बॉडीगार्ड ने कितनी बार उसे भगाया।
लेकिन मार खा कर भी वो हमेशा वापस आता रहा। ये क्या हो रहा है? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। तुम जाओ यहाँ से अभी, जल्दी चल, जल्दी जाओ। चलो चलो अंकिता, चलो चलो, चलो। खोलो दरवाजा, खोलो। क्यों चिल्ला रही है? लैला को तो तुमने मार दिया, अंकिता को नहीं मरने दूंगा मैं। डोंट वरी, परेशान मत हो। मासी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसे क्या हो रहा है? This is too much. I can't handle this. मैं नहीं हैंडल कर सकती है। और मासी, मेरी वजह से आप लोगों की भी लाइफ डेंजर में आ गई है। नहीं अंकिता, डोंट वरी, तुम्हें तुम्हें कुछ नहीं होगा, ओके? सब ठीक हो जाएगा। मौसी, मौसी मुझे वापस जाना है। I can't stay here anymore. मेरे कल की टिकट करा दीजिए प्लीज। You know, यदि अगर मैं चली जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा। मौसी प्लीज, प्लीज मौसी मेरे कल की टिकट करा दीजिए। ओके 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 ओके, तुम जाना चाहती हो तुम जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। लेकिन ऐसे रो रो कर हालत खराब मत करो बेटा। I'm sorry, मौसी. Really sorry, sorry. Oh no, बेटा, it's okay, it's okay. इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। Oh God. अंकिता? Thank you.
लैला कहाँ जा रही हो? इस तरह भाग नहीं सकती हो। बाबा तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। तुम्हें कुछ करना होगा अपने मेरे लिए। आग से आग को काटना होगा। जला दो उसे, जला दो। पर देख कर लैला, ये मेरा घर नहीं है, ये तुम्हारा मंदिर है। बरसों से मैंने यहां पर तप किया है तुम्हारे लिए। शायद पिछले जन्म में तुम मेरे जले हुए चेहरे से नफरत करती थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन था तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, और एक दिन मेरे पास तुम जरूर आओगी। और तुम आई लैला, तुम आ गई। नफरत करती हूँ तुमसे, नफरत। पर सूरत तुम्हारा चेहरा नहीं है, तुम्हारी सोच है, तुम्हारी आत्मा है। तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया। अगर किया होता तो तुम मेरी खुशियां मेरी जिंदगी नहीं छीन सकते थे। मैं हमेशा तुमसे नफरत करती आई हूँ, कल भी आज भी, और हमेशा करती रहूंगी। सुना तुमने? तुमने मुझे गलत समझा। तुम अभी भी मेरे प्यार को समझ नहीं पाई। अब तुम मरने के बाद ही मेरे प्यार को समझ पाओगी। किया तुझसे, दिन रात तुझे पूछता रहा, तेरा मंदिर बनाया, लेकिन न तब तू मेरे प्यार को समझी थी, ना ही आज समझी है। अब मरने के बाद ही तू मेरी होगी। मुझे माफ कर दो बाबा, बाबा मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें समझ नहीं पाई बाबा, तुमने 20 साल मुझसे प्यार किया, मैं समझी रही। अब मैं समझ गई हूँ बाबा, और अब मैं तुमसे कहीं दूर नहीं जाऊंगी। बाबा I'm really sorry, I'm really really sorry। मैं अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी, I promise। इंतजार किया मैंने इस दिन का।
आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम्हारा खेल खत्म बाबा, तुम्हारा खेल खत्म। कहीं होंगे हाँ भाई, मैं तो यहीं पर हूं। अरे भाई आप फिक्र मत करो, बराबर नजर है दोनों पर। हाँ हाँ, खाना वाना खिला दिया सब। ओके क्या हो रहा? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। ये क्या है? ये क्या हो रहा है? कौन है यहाँ पे? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कौन है? ना ही रोज चलोगी तो अच्छा रहेगा। मैं तो रोज सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, आप ही को उठाना मुश्किल होता है। अरे रहने दो। अरे ये तो सोनू है,
संजय का बेटा। किधर? अरे हाँ, ये तो अपना सोहन ही है। लेकिन कमाल है, संजय और रिचा ने इतनी अच्छी खबर हमें बताई क्यों नहीं कि सोहन वापस आ गया। अरे गोलू बेटा, अरे सोनू, तू कब वापस आया? कल्याणी दीदी, कल्याणी दीदी। कल्याणी, वो किधर है? तुम ठीक तो हो ना? ये क्या बदतमीजी है? अरे बच्चे का हालचाल ही तो पूछे थे हम। क्या तुमने मेरे बेटे सोहन को नीचे बिल्डिंग में देखा? जी साहब, वो बिल्डिंग के गार्डन में खड़े होके ऊपर आप ही के घर के तरफ देख रहा था। क्या क्या कह रहा है तू? मैं सच कह रहा हूँ साहब, वो आप ही के सोहन था। मैंने अपनी आंखों से देखा, वहीं पर खड़ा था। अरे पागल, तो उसे ऊपर लेकर आना चाहिए था ना, या मुझे पता था, मैं नीचे चला था। साहब मुझे लगा कि इतनी रात को आपके दरवाजे में घंटी बजाऊंगा तो आप डांटेंगे, गुस्सा करेंगे, और फिर मैंने ये भी सोचा कि शायद आपको पता होगा नीचे है। बेवकूफ है तू, बेवकूफ। सबको पता है कि मेरा बेटा सोहन 6 महीने से गायब है। वो बेचारा नीचे गार्डन में अकेला खड़ा था। तुझे क्या लगा तुम मुझे बताता कि वो मिल गया तो मैं तुझे डांटता? नहीं साहब, वो अकेला नहीं था। कौन था उसके साथ? उसके साथ कल्याणी भी थी। और फिर जब मैंने उसे ये कहने के लिए आगे बढ़ा कि रात बहुत हो चुकी है, जाओ अपने घर में, तो मुझे नजदीक आता देख दोनों जल्दी से भाग गए वहां से। रिचा, 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 संभालो अपने आप को, सोहन मिल जाएगा, सोहन मिल जाएगा रिचा। अरे संजय बेटा, बधाई हो भाई, तुमने बताया नहीं सोहन और कल्याणी दोनों वापस आ गए। आपको किसने बताया? अरे अभी अभी वो दोनों हमें गार्डन में दिखे। हम हालचाल पूछने आगे बढ़े तो डर के मारे भाग गए। कैसे है वो? संजय, संजय ये लोग क्या बोल रहे हैं? 6 महीने होकर मैंने सोहन को नहीं देखा, लेकिन अब मुझे छोड़ के सब मेरे बेटे को देख पा रहे हैं। मुझे मेरा बच्चा चाहिए संजय, वो मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? मुझे सोहन से मिलना है, मुझे अभी सोहन से मिलना है। रिचा, रिचा सुनो, अरे शांताराम। हाँ, कैसा है रे? अरे पूछ मत यार, थक गया हूँ, एकदम जम के नींद आ रही है भाई। अच्छा, क्या है, नाइट ड्यूटी थी एक, तो ऊपर से कांड हो गया सोसाइटी में। क्या हुआ, चोरी वोरी हुई क्या? नहीं रे, चोरी वोरी कुछ नहीं। क्या है ना, जिस बिल्डिंग में मैं काम करता हूँ उस सोसाइटी में से 6 महीना पहले एक लड़का गायब हो गया था, जो कल रात अचानक मुझे दिखा। तुझे किधर? उधर ही अपने सोसाइटी में। जब उसे बात करने के लिए मैं आगे गया तो भाग गया वहां से जल्दी से। अब उसके चक्कर में गाली अलग से खानी पड़ी उसके बाप से। बता, ये आजकल के माँ बाप है ना, अपना दोष दूसरे पे थोप देते हैं। हाँ, वैसे उसके बाप का क्या नाम है? अरे सोसाइटी के ही संजय सेठ, उसी का बेटा सोनू, वही तो 6 महीना पहले से गायब था। संजय सेठ का बेटा सोनू तुम्हें दिखा? हाँ, और सिर्फ मुझे नहीं, सोसाइटी के कम 5-6 लोगों ने देखा। जो भी बात करने जाए भाग जाता वहां से। और उसके साथ तो वो काम वाली लड़की भी थी साथ में। कल्याणी भी साथ में थी? हाँ, कल्याणी भी। बाबू, तुझे कैसे पता उस लड़की का नाम कल्याणी है? वो क्या है कि जब मैं तुम्हारी सोसाइटी के बाहर ठेला लगाता था ना, तो वो दोनों हमारी ठेले पे आइसक्रीम खाने आते थे। हाँ, लेकिन
हमारे सोसाइटी के बाहर तू कब ठेला लगाता था भाई? मैंने तो ऐसा कुछ देखा नहीं कभी। शायद तूने ध्यान नहीं दिया होगा। नहीं, ध्यान तो रहता है मेरा बराबर। तू देख, रात का थका है और तुझे नींद भी आ रही है, तू आराम कर जाके, हम बाद में बात कर लेंगे। जा जा। अंकल, मुझे मेरा सोनू वापस दे दो। मेरा सोनू कहाँ है? मुझे मेरे सोनू के पास ले चलो ना अंकल। मुझे मेरा सोनू वापस दो ना। अंकल, मेरी आइसक्रीम दो ना। बाबू भैया, मुझे मेरा सोनू वापस दे दो ना। मेरी आइसक्रीम दो ना। मुझे मेरा सोनू वापस दे दो ना। बाबू भैया, मुझे मेरा सोनू वापस दो ना। अंकल, मेरी आइसक्रीम दो ना। माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे तो पल्लवी मैडम ने बोला था करने के लिए। तो यहाँ पे कम से कम 5 आ सकते हैं। हवा पानी का क्या इंतजाम है? ये ड्रम में पानी भरा है और हवा के लिए एग्जॉस्ट भी है। ठीक है, पर फांदा जरूरी है। नहीं यार, फांदा नहीं है, वो भसाप है ना, गधा है। इतना नुकसान करा है ना, क्या बताऊं, सब बंद करना पड़ गया उसकी वजह से। अब अपना धंधा चालू करें। अच्छा, तो राणा को फोन कर दूं? नहीं, राणा को कोई कॉल नहीं करना। अरे, काम हम करते हैं, फायदा तो उसी को होता है ना हमेशा। इन सब चीजों से बाहर रख इस बार उसको। इस बार करेंगे भी हम और खाएंगे भी हम।
तू भी चल। प्लीज घर जा। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं बैठ के अपने बच्चे का इंतजार करूंगी। संजय, सोहन मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? सबने उसे यहाँ पर देखा है, फिर वो घर क्यों नहीं आ रहा? मुझे मेरा सोहन चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, बस। सोहन वापस आ जाएगा बेटा, हम उसे ढूंढ निकालेंगे, लेकिन प्लीज तुम घर चलो, कुछ खा तो लो, तुम्हारी तबीयत भी खराब है, प्लीज घर चलो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं बैठ के सोहन का इंतजार करूंगी। ये क्या रिचा, तुम्हें बुखार है? तुम्हें सर्दी लग जाएगी, चलो प्लीज। मैं हूं ना, देखो मैं यहां बैठता हूं, सोहन का इंतजार करता हूं, तुम जाओ घर पे जाके आराम करो, चलो कम। नहीं संजय, मैं सोहन के बिना यहां से नहीं जाऊंगी, मैं तो सिर्फ कुछ घंटों से यहां बैठी हूं, लेकिन मेरा बेटा पिछले 6 महीनों में पता नहीं उसने कितनी मुश्किलें झेली होंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं बैठकर सोहन का इंतजार करूंगी। देखो ऋचा प्लीज जिद मत करो, अंधेरा काफी हो गया, तुम जाके आराम करो, मैं बैठा हूं ना यहाँ पे। नहीं संजय, तुम क्यों जिद कर रहे हो? मैंने कहा ना, मैं सोहन को लिए बिना नहीं आऊंगी। रिचा, मैं जिद का कर रहा हूं? देखो मैं जो भी कह रहा हूं तुम्हारे भलाई के लिए तो कह रहा हूं। अच्छा बाबा, तुम जीती और मैं हारा, मुझसे गलती होगी, आई एम सॉरी। देखो तुम यहां बैठो, आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए और दवाई लेकर आता हूं, ठीक है? और ये पानी है, पी लेना। सोनू ऋचा,
क्या हुआ रिचा? क्या हुआ? हाँ? किससे बात कर रही थी तुम? बहुत गर्मी है ना, लो बेटा जूस पी लो। थैंक्स आंटी। तुम अकेली आई हो यहाँ पे? मम्मी पापा कहाँ है? वो घर पे। तो चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, तुम रास्ते में जूस भी पी लेना। आंटी आप मेरे साथ साथ मेरे फ्रेंड को भी ड्रॉप कर दोगे? हाँ हाँ ले आओ उसे भी। मैं भी लेके। हाँ ले आओ। ये तो सेम वाली गाड़ी है ना? सेम वाली मतलब? हम लोग पहले भी ऐसी कार में बैठ चुके हैं। हाँ चलो बेटा चलो चलो। चलो आ जाओ। ये हम कहाँ आए? आप तो हमें हमारे घर ले जा रही थी ना। मुझे यहाँ थोड़ी देर का काम है। अमिया ले आना। हाँ बेटा तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ रहती हो? मेरा नाम कल्याणी है, मैं पास वाले शमशान में रहती हूँ। और तुम? मेरा नाम सोहन है और सब घर पे मुझे सोनू सोनू बुलाते हैं। सोनू? अच्छा बेटा तुम्हारे मम्मी पापा का नाम क्या है? पापा संजय और मम्मा रिचा। ये क्या हुआ? अबे तू गाड़ी निकाल। पल्लवी कोई नहीं है, जल्दी बैठ जाओ। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मैं हूं ना। पल्लवी दरवाजा खोलो प्लीज। पल्लवी you
मुझे पहचाना? देखो मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे छोड़ दो प्लीज। देखो मैंने सच में कुछ नहीं किया। मैं जानती थी कि तुम उस बात में मिले जरूर आओगी, अब आ ही गई हो तो तुम्हें जाने कैसे दूं? देखो मैंने सच में कुछ नहीं किया, ये जो सब किया राणा ने किया, ये किडनैपिंग वगैरह मैंने नहीं किया, सारा धंधा वो चलाता तुम पे, मैं सच में कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। हाँ मैं सच में कुछ नहीं किया, प्लीज जाना चाहती हो हाँ तो जाओ। ये मेरा बेटा है, आप लोगों ने इसे देखा है कहीं? जी नहीं। ये कई दिनों से लापता है, बहुत लोगों ने इसे आसपास देखा है। देखिए अगर आपको थोड़ी भी जानकारी मिले तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, ये मेरा नंबर है प्लीज। हाँ बिल्कुल, बड़ा प्यारा बच्चा है आपका। ये मेरा बेटा है, आपने इसे कहीं देखा है? सोनू मेरे आखिर ये पल्लवी अपने आप को क्या समझती है? कल की आई हुई लड़की मेरे बिजनेस में घुस के मुझे कंपटीशन देगी, रोज फोन करती है मुझे काम दे दो और आज मेरा ही फोन नहीं उठा रही है। तू देख लेना, अगर मुझे मिल जाए ना तो मैं दिखाता हूं उसे। बॉस एक बात बोलूं? बुरा ना मानियो, आपको नहीं लगता ये लड़की पल्लवी कुछ ज्यादा ही फरफर करके उड़ने लगी है? मुझे तो लगता है सारा पैसा अकेले हड़पना चाहती है, और सुनने में आया है कि अपना काम भी शुरू कर चुकी है। बॉस मतलब समझ रहे हो इस बात का? बहुत तेज चीज है ये, बहुत तेज चीज। हम्म,
अगर मुझे धोखा देने वाली बात सच निकली ना तो इस लड़की को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तू देख चारों तरफ अच्छे से देख। बॉस 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 यहां ही है। उधर उधर कमरे में ना दो बच्चे सो रहे हैं। कहां पर? आप आइए मैं दिखाता हूं। पल्लवी ने इन्हें सुला दिया होगा। उठा 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 गाड़ी में डाल चल। पर बॉस बार बार कुछ नहीं। बिजनेस में धोखे की कोई जगह नहीं होती। जब ये बच्चे नहीं मिलेंगे ना तब अकले ठिकाने आएगी पल्लवी की। समझा? बच्चों को उठा गाड़ी में डाल। इंतजाम अच्छा किया पल्लवी ने। अरे तो अभी भी यहीं खड़ा है? बच्चों को गाड़ी में डाल जल्दी कर। चलना जल्दी करना। अगर इसने अपना मुंह बंद नहीं किया ना तो पुलिस की पूछताछ फिर से शुरू हो जाएगी और मुझे अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। इसका मुंह बंद करना पड़ेगा। तू एक काम कर, इन बच्चों को लेके अड्डे पे पहुंच। मैं संजय का मुंह बंद करके आता हूं। हाँ मैंने ही पोस्टर लगाए थे सोनू के सब जगह, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा घर वापस आ जाए। देख संजू, हम कई सालों से अच्छे दोस्त हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं। मेरी बात मान, गड़े मुड़दे मत उखाड़। और ये सब करने से क्या होगा? तुम लोगों को और तकलीफ होगी। देख सोनू को लापता हुए 6 महीने से ऊपर हो गए हैं और तुम लोग अब तक उसके आने की उम्मीद लगाए बैठे हो। क्यों नहीं होगी उम्मीद? अगर मैंने अपने बच्चे को देखा होता तो एक पल के लिए मैं मान भी लेती कि मेरे मन का वहम है। लेकिन बिल्डिंग के गार्ड ने, यहाँ रहने वाले लोगों ने देखा है मेरे सोहन को। सोहन को देखा है? हाँ, और वो अकेला नहीं, कल्याणी भी उसके साथ। और इस बार मैं कोई कसर नहीं छोड़ने वाला हूं मेरे बच्चे को वापस लाने के लिए। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? सच सच बताओ उस रात क्या किया तुम लोगों ने? मां कसम खा के बोलता बॉस, वो सोहन जिंदा हो ही नहीं सकता। जिंदा नहीं हो सकता? अपनी गलती छुपा रहा है ना तू? मेरी कोई गलती है ही नहीं, ये सब प्रताप की गलती है, उसकी वजह से हुआ है। खाना पानी नहीं दिया उन बच्चों को और इस कमरे में बंद रखा, बांध कर। हवा न पानी न खिड़की न रोशनदान, ये तो लगता है सांस चढ़ गई होगी उनकी। सांस चढ़ने से वो लोग मर गए तो लोगों को कहां से दिखाई दे रहे हैं? क्या
क्या क्या 6-7 लोगों ने देखा उन्हें। और सुन, अगर वो बच्चे पुलिस के हाथ लग गए ना तो हम सब अंदर हो जाएंगे। इसीलिए पूछ रहा हूँ, सच सच बता उस रात क्या हुआ। बॉस वो बच्चे मर चुके हैं, मैंने खुद अपनी आंखों से उन्हें मरा हुआ देखा है। और फिर प्रताप की गलती को छुपाने के लिए उनकी लाश को यहाँ पीछे गाड़ दिया हमने। चल 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 चल, मुझे दिखा कहाँ गाड़ दिया। यहीं पे गाड़ा था हमने उन्हें। तो देख क्या रहा है, खोदना। मैंने कुदाल तो लिया। जा। बॉस, लाश यही होनी चाहिए, यही गाड़ा था हमने उन्हें। यही गाड़ा था तो कहाँ है लाशें, खोद। ये जल्दी करना। हाँ बॉस, कर रहा हूं। बॉस यहां पर तो पत्थर है। तो क्या करूं, निकाल पत्थर। क्या हुआ, डर क्यों रहा है, भूत देख लिया क्या। कुछ नहीं है बॉस, तो फिर लाशें कहां गई। ये तो तू बताएगा ना कि बच्चों की लाशें कहां गई। बॉस हमने खुद यहां गाड़ा था उन्हें, और मैंने अभी अपनी आंखों से देखा है। अच्छा, तूने अभी यहां पे देखा है। मुझे बेवकूफ मत बना। नहीं बॉस। नहीं भाई, कुछ नहीं, पहले वो संजू के बेटे का जाके गेम करते हैं, फिर जाके पल्लवी से निपटेंगे। चल यहां से निकल। ये तो वही ट्रक है ना जिसमें हम पिछली बार करके लाए थे। हाँ, सोहन और कल्याणी। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, पर ये यहाँ क्या कर रहा है। पता नहीं। ये आवाज किसकी आ रही है। जा जाके देख। अरे जाना। अंकल मुझे घर लेकर चलो, मुझे घर जाना है। कौन हो तुम? मेरा सोनू कहाँ है? हमें घर जाना है। बहुत देर हो रही है। बॉस, ये सब क्या हो रहा है? बॉस, ये सब क्या हो रहा है? ये ऑन कैसे हो गया? ये ट्रक में तो कोई नहीं है, ये अपने आप चालू कैसे हो गया? ये
नहीं, नहीं, रुको, रुक जाओ, रुको। रुक जाओ। नहीं, नहीं। भागो। नहीं देखो, हमारी कोई गलती नहीं है। प्लीज हमें जाने दो, हमारी कोई गलती नहीं है। चलो रिचा। थैंक यू कल्याणी, मेरे सोनू के साथ हमेशा रहने के लिए। आहट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।